रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और ऐसे व्यक्ति के लिए अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो बहुत ही दुखद है। ये कोई राजनीति दल की बात नहीं है, ये प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था में सवालिया निशान लगता है, और हम चाहते हैं कि उसको उनको न्याय मिले। इस घटना में जिन्होंने भी की है उनको फांसी की सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले, और ये जो गैंग वॉर है ये समाप्त की जाए राजस्थान के अंदर, तभी हमारा प्रदेश शांति से आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं बढ़ पाएगा। हमने मांग यही की है उनको न्याय मिले। जिस तरह से पुलिस अधिकारियों ने, आपने खुद ने से हमने देखा होगा कि पुलिस अधिकारियों ने बयानों को घुमा के जो दिए कुछ अधिकारियों ने, वो मुझे बहुत दुख हुआ सुन के। क्या आप इस घटना को किस और ले जाना चाह रहे हो, कहाँ मोड़ना चाहते हो, मोड़ कहाँ देना चाह रहे हो, इसका मतलब क्या आप प्रोटेक्शन करना चाहते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने इस घटना की है, जघन्य अपराध किया है, उसको आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं? तो मैं सरकार से और प्रशासन और पुलिस से अपील करूंगा कि सुखदेव सिंह जी गोगा मेड़ी को ये मानवता की हत्या है और उनको न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हमारा आंदोलन जारी रहेगा।